अनेक और ये देश किसी पर्पज के लिए है, उसका कोई लक्ष्य है, वो पूरी मानव जात के लिए। चाहे श्री अरविंदो ने देखा हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी ने देखा हो, लेकिन आज उन शब्दों में, उस विजन में सामर्थ्य था, वो हम आंखों के सामने देख पा रहे हैं। दुनिया जिस प्रकार से भारत के महात्मय को स्वीकार कर रही है, भारत के सामर्थ्य को स्वीकारने लगी है, और उसको, उस यात्रा को हमें और शक्ति के साथ आगे बढ़ाना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चुनाव बहुत दूर नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी, लेकिन ये लोकतंत्र का सहज आवश्यक पहलू है। हम सब उसको गर्व से स्वीकार करते हैं, और मुझे विश्वास है कि हमारे चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले, लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा है, पूरे विश्व को अचंभित करने वाले अवश्य रहेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सांसदों का जो सहयोग मिला है, जो निर्णय हम कर पाए हैं, और कभी कभी हमले भी इतने मजेदार हुए हैं कि हमारे भीतर की शक्ति भी खिल करके निकली है, और मेरा तो परमात्मा की कृपा रही है कि मुझे जब चुनौती आती है तो जरा और आनंद आता है। हर चुनौती का हम सामना कर पाए हैं, बड़े आत्मविश्वास और विश्वास के साथ हम चले हैं। आज राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में, तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है, और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का उसमें तत्व भी है। यह देश बुरे दिन कितने ही क्यों न गए हो, हम भावी पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहेंगे। ये सदन हमें वो प्रेरणा देता रहेगा, और हम सामूहिक संकल्प से, सामूहिक शक्ति से उत्तम परिणाम भारत की नौजवान पीढ़ी की आशा आकांक्षा के अनुसार करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर एक बार आपका आभार प्रकट करता हूँ, सभी माननीय सांसदों का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सभी सदस्यगण, सत्रहवीं लोकसभा के इस सत्र के साथ लोकसभा का आज समापन हो रहा है। सत्रहवीं लोकसभा इसलिए भी विशेष है कि भारत के अमृत काल में हमने संसद के पुराने भवन और नए भवन, दोनों भवनों में अपने संसदीय दायित्वों को निभाया। यह अवसर हमें मिला, यह अवसर भी हमारी जिंदगी में हमेशा अस्मरणीय रहेगा। नए भवन में स्थापित
पवित्र सिंगोल, न्याय, सुशासन, राष्ट्रीय एकता और राजनीति शुचिता का प्रतीक है। हमारे महान लोकतंत्र की इस उच्चतम संस्था के पीठासीन अधिकारी के रूप में आप सबके सहयोग से, आपके के सकारात्मक सहयोग से मैंने दायित्व निभाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बहुत बातें हमें प्रेरणा स्वरूप बताई। हमारे लिए ये पल ऐतिहासिक पल रहेगा, अद्भुत भी रहेगा और हमारी जिंदगी में लोकतंत्र की इस यात्रा के लिए हमेशा स्मृतिपूर्ण वाला ये काल हमारे लिए रहेगा। इस 5 वर्ष के अंदर जनता के लोकतंत्र के प्रति, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विश्वास बढ़े, इसके लिए सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की जनता की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया या अपने क्षेत्र के मुद्दे भी उठाए, देश के मुद्दे भी उठाए। और मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पहली बार शून्यकाल जैसे विषय का सकारात्मक उत्तर देकर एक नई परंपरा भी स्थापित की। माननीय सदस्यगण, मुझे 19 जून 2019 को सर्वसम्मति से सभा का अध्यक्ष चुना गया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और सभी सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए भी ये 5 वर्ष जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और अस्मरणीय रहेंगे, क्योंकि आपके साथ जो बल मैंने गुजारे हैं वो मुझे हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। माननीय सदस्यगण, इस सदन की बड़ी उच्च परंपरा परपाटियाँ रही है, इस सदन की प्रतिष्ठा भी रही है। मुझसे पूर्व यहाँ बैठने वाले हमारे पूर्वतीय अध्यक्षों ने इस सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा को बढ़ाया है। मैंने भी प्रयास किया है कि सभी दलों के नेताओं के सहयोग से इस पद की गरिमा भी और इस संस्था की सर्वोच्च प्रतिष्ठा बनी रहे, और इसके लिए आपका सहयोग भी रहा, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सत्री लोकसभा कई कार्य काल के लिए सत्री लोकसभा कार्यकाल कई अर्थों में ऐतिहासिक रहा है। सभा के